आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके साथ रुशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने केशवदेव मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए। इसके बाद गर्भगृह और योग माया मंदिर में दर्शन किए। यहाँ से जन्म स्थान के भागवत भवन में पहुंचे, जहाँ मुख्यमंत्री ने विधि विधान से भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। हापुड़ की पटाखा फैक्ट्री में कुछ दिन पहले ब्लास्ट होने से शाहजहांपुर में रहने वाले 11 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सपा नेता मजदूरों के गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार से मिलकर उनको हर संभव मदद दिलाने का वादा किया था। और फिर सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर मरने वाले मजदूरों को 20 लाख और झुलसे मजदूरों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। आज पूरे परिवार पूरी तरह से उजड़ गए हैं, अब कोई उनको देखने वाला नहीं है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी मांग कर रही है जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। 20-20 लाख रुपए की मांग हम लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ कर रही है। आज पूरे परिवार पूरी तरह से कानपुर हिंसा मामले में लगातार एक्शन जारी है। वहीं अब नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर शिया मुस्लिम पोस्टल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि नूपुर शर्मा ने न केवल अपने बयान से विवाद फैलाया है, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सरकार ऐसे देश में नफरत फैलाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें तुरंत जेल भेजे। अलीगढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी और डीएम ने धर्म गुरुओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में बैठक की। इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर हुई चर्चा, साथ ही सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर है। आज शांति सद्भाव को लेकर हरिगढ़ जिले में जिलाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु एवं संभ्रांत नागरिकों का यहाँ बैठक में सभी लोग बैठे हैं। तो जिस तरह से चल रहा है उसी विषय पर ही मीटिंग करी गई, ताकि अलीगढ़ शहर का माहौल ना बिगड़े। आपस में हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना है, किसी एक के बयान के पीछे, ये नहीं जैसे कानपुर में घटना हुई कि एक के बयान के पीछे सभी लोग सड़कों पर घूमें। और उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, ये सभी जानकारी प्रशासन ने दी। जैसा कि हमें भी मालूम है, अगर कोई भी अपराधी किसी भी धर्म मजहब से या किसी भी वर्ग से आएगा, वो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए शांति सद्भाव बनाने में सहयोग करें। एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मजहब के लोगों को, तमाम मजहब के रहनुमाओं को और अच्छे लोगों को बुलाया गया था। और उसका मकसद ये था कि अलीगढ़ जिस तरीके से अब 2006 के बाद दंगों से मुक्त हो चुका है, तालीम और तहजीब का शहर है, वो गंगी जमनी तहजीब बरकरार रहे। उसमें अच्छे लोगों ने और मजहब के तमाम धर्मगुरुओं ने अपने अपने व्यूज रखे, क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। अलीगढ़ में सर्वधर्म एक मीटिंग, पीस कमेटी मीटिंग जैसे होती है, वो जिलाधिकारी एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ली गई है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के संबंध में हो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बारे में हो, या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंटिंग आदि के बारे में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ता हो, इसके बारे में की गई। और अन्य मुद्दे भी जो होते हैं कि कैसे, जो पहले भी यहाँ पर जो सिस्टम हम लोगों के रहे हैं और जैसे लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रहते हैं, जो सौहार्द मोहल्लों में है, उसके बारे में चर्चाएं चली। एक सामान्य मीटिंग थी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी। केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों को रोजगार देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदार उस पर पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला सुधारनगर के हो रहे गांव में मनरेगा कार्य में मजदूर की जगह मशीन से काम कराया जा रहा है। वहीं डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात कही है।
कल रात में लगभग 8:30 बजे JCB द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमा से श्री जय नारायण सिंह के घर तक रास्ते पर JCB द्वारा निर्माण कराकर मनरेगा योजना की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसकी सूचना हमारे द्वारा CDO महोदय सिद्धार्थ नगर तथा BDO खेसरहा को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया गया है। नहीं, अगर आपकी आपके द्वारा जो बात बताई गई है अगर सही है, मैं इसके लिए अगर जांच कराते हैं कराने के लिए DC मनरेगा साहब को निर्देशित करता हूँ। DC मनरेगा की जांच में अगर ये प्रकरण आता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में अवैध कब्जों अतिक्रमणों पर पुलिस की देखरेख में बुलडोजर चलते हुए देखा जा रहा है, मगर अलीगढ़ की खैर तहसील के टप्पल परगना में सिमरौठी गांव का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें किसान ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया है कि वो निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर पुलिस चौकी का निर्माण करा रहे हैं। मेरी जमीन सरकारी जमीन के बराबर है, वो जमीन ग्राम समाज की चौकी के लायक है नहीं, उसकी चौड़ाइयाँ वगैरह सब कम हैं, तो अनऑथराइज तरीके से मेरी ज़मीन पे उन्होंने बना लिया है, उसमें दो कमरे बना दिए हैं, बाउंड्री खींच दी है जो टोटली मेरी ज़मीन में है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी साहब ने और आपके कानूनो साहब ने दी है और SDM साहब ने और तहसीलदार साहब ने उसको वो काम रुकवा दिया है कि अनऑथराइज तरीके से बनना है, जिसके आदेश मेरे पास हैं। कितने दिन से बन रहा है? करीब 20 दिन हो गए साहब। खबर मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां तमाम दुकानदार इकट्ठे होकर SSP हेमंत कुटियाल के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने SSP को शिकायत पत्र देकर कहा कि मुगलपुरा पुलिस रात 10 बजे उनकी दुकानें जबरन बंद करा देती है। दुकानदारों का कहना था कि भीषण गर्मी के मौसम में देर रात ही दुकानदारी होती है, मगर उसी समय पुलिस पहुँच कर ग्राहकों को भगाते हुए उनकी दुकानें बंद करा देती है, जिससे उन्हें कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से हमारी जो इंदिरा चौक के स्ट्रीट मार्केट है वो सब बंद कराई जा रही है, 10 बजे से 10:30 बजे से बंद करा देते हैं मुगलपुरा क्षेत्र में जो लगता है। कौन बंद करा देते हैं? मुगलपुरा क्षेत्र के पुलिस वाले। क्यों बंद करा रहे हैं? वो बताते हैं कि SSP साहब का आदेश है ऊपर से और इस वजह से वो बंद करा देते हैं। अब उधर मार्केट का हाल ये है कि 10 बजे से ही काम स्टार्ट होता है, आजकल गर्मियों का टाइम है, 9:30 बजे लोग नमाज से निमटते हैं ईशा की, तो फिर उसके बाद ही खाने पीने के लिए निकलते हैं, 10:30 बज जाते हैं ऐसे ही गर्मियों में एकदम, और वो मार्केट ही रात की चलती है। खबर संभल के सदर कोतवाली इलाके चौधरी सराय नाले से है, जहां लड़की से युवक ने शादी का पहले झांसा दिया, फिर उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फरार हो गया, जिससे परेशान होकर युवती पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़िता 6 महीने से कार्रवाई को लेकर थाने का चक्कर लगा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक काफी रसूखदार घर का है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। मेरे पास बड़े बड़े लोग आए, मैंने सबका केस ले लिया, मेरे बच्चों की बाद में धमकी भी देता रहे और बच्चे से नु कहता मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तो मेरे बच्चे से भाई की धमकी दे दे के केस भी ले लिया था, फिर मुझे 8 महीने बाद धोखा दे दिया, शादी भी नहीं करी, धोखा दे के अहमदाबाद भाग गया। इंसाफ चाहते हैं, 10 महीने हो गए अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, धोखा ही देता रहे, शादी और धासा देता रहा। उसने वीडियो बनाई थी वायरल करने को कहता था, रिकॉर्डिंग भी है उसके पास। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक के सहायक प्रबंधक की तहरीर पर 38 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। इन आरोपियों ने बैंक से लोन लेकर वाहन खरीदे और उनकी किश्त समय पर जमा नहीं की। बता दें कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग करोड़ों रुपए बैंक का पैसा हड़पने की बात कही गई।
मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां दबंगों ने करहल चौकी इंचार्ज की सर्विस पिस्टल पर ही हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार सोते वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उप निरीक्षक तैनात हैं, जो रात्रि के दौरान गश्त पर थे और गश्त समाप्त करने के बाद चौकी की जाकर सो गए। रात्रि में कूलर जिस खिड़की में लगा था उसके रास्ते से ये बताया जा रहा है कि इनकी पिस्टल, इनकी घड़ी और इनका पर्स कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। मौके का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। इस संबंध में उप निरीक्षक अनिल कुमार की तहरीर पर थाना करल में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है और जो चोरी हुई पिस्टल है उसकी तलाश की जा रही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में ब्लैकमेलर्स की धमकियों से तंग आकर 17 साल की एक किशोरी फांसी के फंदे से झूल गई, जिसके बाद किशोरी के इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन इसके पहले उसने आरोपी को सजा दिलाने की अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली थी। दरअसल इस नाबालिग किशोरी को आरोपी ने प्रेम जाल में फंसा कर धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कलीम नाम का आरोपी बीते 2 साल से उसका शोषण कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां शातिर वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस की मामले में कार्रवाई में जुट गई है। अलीगढ़ एमयू में नकाबपोश दो बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रिक्शा से जा रही महिला के पास से गोल्ड और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बता दें मामला सिविल लाइन थाना इलाके के एमयू कैंपस का है। जो पहन रखा जल्दी जल्दी उतार। मैंने कहा क्या है, क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो ये? तो बोलता है ज़्यादा मत बोल, अगर मुंह से आवाज़ निकाली तो अभी उड़ा दूँगा यहीं पे। और मैंने बुंदे पहने वो होते हैं कड़े में, वो निकाले और अंगूठी थी उसके बाद बोलता और चेन बुंदे। मैंने कहा मैंने नहीं पहनी चेन और बुंदे भी नहीं है। तो बोला अभी बताऊँ, उतार जल्दी से। और फिर गंदी गंदी गाली बकने लगा और फिर मेरा दुपट्टा उतारा और चेन मेरी यूँ करके उसने खींची अपने हाथों से। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? फिर बोला बुंदे उतार। मैंने बुंदे उतारे। फिर उसके बाद कहता है बैग में क्या तेरे? मैंने कहा बैग में कुछ नहीं है, पैसे हैं बस थोड़े से। तो बोला निकाल निकाल दो। फिर दूसरा वाला बाहर खड़ा था, वो बोला ठीक है, कहते चल छोड़ छोड़ पैसे रहते रहेंगे। वहाँ पीछे को थोड़ा सा मैंने मोटरसाइकिल लगाई, बोला कि रोक रोक, मैंने गाड़ी नहीं रोकी। फिर मेरे यहाँ पर आके उनने आगे गाड़ी लगा दी, जब उन्होंने बोला कि एक सवारी बुला। अच्छा, फिर तीन में उन्होंने कट्टा लगा ला, इन्हें गाड़ी उतारी बाकी और चैन फैन अंगूठी फाउटी जो लिया सब सब ले। शाहजहांपुर में मंगलवार को पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से पंचायत अध्यक्ष ममता यादव के सौजन्य से जिला पंचायत कार्यालय परिसर में सुंदरकांड का पाठ कराया गया। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या राहगीरों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। लखीमपुर खीरी में दलित युवक की मौत के मामले में यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि बीते 3 दिन पहले गोला थाना क्षेत्र के मूर्तिहा गांव में निवासी दलित युवक धर्मेंद्र की जिला कारागार में मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि गोला थाना SHO विवेक उपाध्याय ने धर्मेंद्र को छोड़ने के बदले 40,000 रुपए की मांग की थी। वहीं पीड़ित परिवार SP खीरी संजीव सुमन से मिलकर गोला थाना SHO विवेक उपाध्याय सहित करीब 3 सिपाहियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा लिखने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर परिजनों ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। आए अंदर घुस गए सट्टा दी पौड़े रहा दोनों जने और उठाए नहीं उनका, पकड़ के पैसे मारने लगे। हम कहें बाबू जी काहे मार दो, काहे मार दो, मरे कौन नहीं मारे हम बक्सम लड़ गए रहन। तो हम कहें ये साला हम कहें काहे ले जाते, उनका लिहे काहे जाते। कहें इनको साहब ने बुलाया है बड़ी जांच करने के लिए। तो क्या नाम उनका है? अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।